राम जी एक विचार हैं, वो कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी तक भी नहीं थे। राम इज अ विचार, नॉट कि भूतकाल का एक कोई पात्र था। वो एक भूत था कि नहीं? देवी देवता हमारे बस एक विचार है मात्र, इनका इसके अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो प्रोग्रेस करना चाहता है लाइफ में वो देवताओं से करी, ये सब ज्ञान की मूर्तियां हैं। आत्मा पुनर्जन्म, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम लोग बस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं इन चीजों को लेकर। अब ये चारों शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए, पुनर्जन्म, गॉड, डेविल, यू नो, भगवान, शैतान, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये लोग एक्सपर्ट्स हैं हमारे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक वीडियो के बारे में जो डला था रणवीर अलाहाबादिया जी के चैनल पर। उन्हीं के नाम से चैनल है, चैनल बहुत अच्छा है अपने आप में, उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के वो वीडियोस डालते हैं। उनका गोल है लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट हो, सेल्फ हेल्प के लिए वो अलग अलग टॉपिक्स पर डालते हैं, हेल्थ पर डालते हैं, मेडिटेशन पर डालते हैं, इवन ब्रह्मचारी के एस्पेक्ट से कुछ टॉपिक्स पर वो डालते हैं, जो कि स्पेशली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कई गेस्ट को भी बुलाया हुआ है इस चैनल पर जिन्होंने गीता के बारे में चर्चा की हुई है, और मैं बहुत उसको सम्मान करता हूँ और रणवीर जी को भी सम्मान करता हूँ। और अपने आप में इन्होंने जो चर्चा की है हिंदुज्म के ऊपर बोला जाए तो, और देवदत्त पटनायक जी को इनवाइट करके, उस इंटरव्यू में पर्टिकुलरली मुझे कई बातों पर बहुत आपत्ति हुई, और इसीलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ इन चीज़ों को शेयर करने के लिए। पर उन बातों पर मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। पहले हम देखते हैं कि उस चैनल पर उस वो जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था उसमें क्या अच्छी बातें थी। उसमें अच्छी बातें ये थी कि जो जनरल मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे शास्त्रों में, उस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर कट उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और उसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। वो सेल्फलेसनेस को इनकरेज कर रहे हैं, वो लोगों को गहराई में जाने के लिए, नॉलेज को परस्यू करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। जनरल बहुत बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कर्ण को लेकर, रावण को लेकर, उनके कैरेक्टर्स को लेकर, उस चीज़ को वो क्लियर कट वो जानते हैं, और उसी चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि कर्ण बहुत इनसिक्योर थे, रावण के बारे में भी उनका करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉरल अंडरस्टैंडिंग उनका बहुत अच्छा है, और उसी चीज़ को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं हमारे शास्त्रों से। लेकिन जहाँ पर आपत्तिजनक बात आती है वो आती है जब वो बोलने लगते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है उस चैनल पर कि वो एक्सपर्ट हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने कई बुक्स ऑथर कर रखी है। ये अपने आप में बहुत संवेदनशील इशू है। सनातन धर्म पे आप किसी को एक्सपर्ट बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ उसने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं अपने ओपिनियन देते हुए। धर्म बहुत एक संवेदनशील विषय है, और इनकी पूरी इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे एटलीस्ट एक चीज बहुत क्लियर थी कि ये लोग बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, स्पेशली देवदत्त पटनायक, और वो मैं थोड़े तथ्यों के साथ बोलूँगा। ये और रणवीर जी बहुत अच्छे से इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, हमें ऑफेंस लेने नहीं लेनी चाहिए, हमें छोटी छोटी बात पर बुरा मानकर हमें क्लोज माइंडेड नहीं हो जाना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है, इनफैक्ट हमारे शास्त्र यही बोलते हैं। भगवद गीता में 13वें अध्याय शुरू ही इस गुण से होता है, जब गुणों की बात हो रही है, ज्ञान के गुणों की बात, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जव, कि सबसे पहले अपने मान को किनारे रखकर खुले दिमाग से सुनने का प्रयास कीजिए। पर उस खुले दिमाग का ये मतलब ही नहीं कि इतना दिमाग खोल दें हमारा दिमाग ही बाहर निकल जा रहा है। इस खुले दिमाग के बाद वो क्या बोलते हैं कि हम लोग बहुत छुई मुई की तरह हो जाते हैं, ऑफेंस ले लेते हैं बात बात पर। और किस बात पर ऑफेंस ले लेते हैं? वो बोल रहे हैं राम जी तो एक विचार थे, वो हिस्टोरिकल राम पर मैं बिलीव नहीं करता कि वो कभी आए भी, आत्मा पुनर्जन्म उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, हमें दूसरों के बारे में विचार करना चाहिए। मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा ऐसा। ऐसा देश भारत में ये चर्चा हो रही है, किसी और देश पर होता कोई अंडरस्टैंडेबल था। ऐसा देश जहाँ पर माघ मेले में 50 दिन के अंदर अंदर 24 करोड़ लोग एक ही जगह पर आ जाएं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रहते हैं हमारे देश में ऐसे पुण्य तिथियों पर असेंबल होने के, साधुओं के, और इतने करोड़ों लोग जब इकट्ठा होते हैं हर एक जगह पर, आप जाके देखेंगे शाम में राम कथा होती है, और सेल्फ हैप्पीनेस, दूसरों को हैप्पीनेस देने के बारे में बात करने वाले लोग,
ऐसे देश में रहते हुए इतने बड़े चैनल पर बात करते हुए वो बोलते हैं राम राम तो एक विचार है, मैं हिस्टोरिकल नाम पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि क्योंकि वो बीत गए तो उनसे आप कुछ शिक्षा नहीं ले सकते। इतना कंफ्यूजिंग, इतना अजीबोगरीब लॉजिक मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अगर आप स्टोरीज के बारे में चर्चा करना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, रामायण से आप स्टोरीज लीजिए, महाभारत से लीजिए, उन स्टोरीज से आप शिक्षाएं दीजिए, वो आप दे भी रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। पर आप अगर बोल रहे हैं उनका प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण ना उनके होने का है ना उनके ना होने का है। और ऐसे देश में रहते हुए जहां पर इतने लोगों की कम से कम आस्था जुड़ी हुई है, कई संप्रदायों की, कई भारत में ऐसे लोग हैं आज के समय में भी कि वो अपनी जान तक दे सकते हैं राम जी के बारे में, राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ और मुझे बहुत आघात हुआ है। और मैं आप लोगों को स्पेशली ये एक्नॉलेज कर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खुद सेंसिटिविटी का बिल्कुल बुरा हाल कर दिया भारत में रहते हुए से ऐसे विचार देते हुए। और रामायण की हिस्टोरिसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं कि आप रामायण को हिस्टोरिकल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो रणवीर जी थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे, पर इस टाइप के जो थिंकर्स होते हैं जो खुद ही बोलते हैं कि हम माइथोलॉजिस्ट हैं उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है माइथोलॉजी पहले क्या थी और अभी क्या है, पर ये लोग मानते हैं कि जो लोग उसको हिस्टोरिकल मान रहे हैं वो क्लोज माइंडेड है। पर मैं बताना चाहूँगा रामायण को हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम शास्त्रों को अप्रोच करते हैं किसी फिक्शनल बुक की तरह नहीं जैसा आप लिखते हैं, हम शास्त्रों को जीवन के बारे में सच्चाई बताते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनके बारे में जो पर्सनैलिटीज़ बताई गई हैं उनमें जो पर्सनैलिटीज़ बताई गई हैं उनको शास्त्रों के हिसाब से एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं और हमारा जीवन इसी में लगता है कई सनातन धर्म के लोग आज भी। और जो हिस्टोरिसिटी की बात बार बार ये कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है हमारे पूरे इतिहास में, इस दुनिया के इतिहास में देखें ट्रॉय ऐसी सिटी थी जो जिसका एग्जिस्टेंस ही डिनाई कर दिया गया था कि ये थी या नहीं थी, ये बस लेजेंड बनकर रही थी। 1873 में इसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये हिस्ट्री में थी, जब पूरी सिटी डिस्कवर हुई ओ ये सचमुच में थी। मेसोपोटामिया इसको एक लेजेंड के रूप में, जैसे अब रामायण के बारे में चर्चा चल रही है भारत में, वैसे करके एकदम इसको इनकार कर दिया था। लियोनार्ड वोली ने 1923 में इसको डिस्कवर किया कि हाँ ये पूरी सिटी थी, ये सारे लेजेंड सही थे। कई हिस्टोरिकल राइटर्स ऑथर्स ये अप्रिशिएट करते हैं कि रामायण पॉसिबल ही नहीं है हिस्टोरिकली ना हुई, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी जो डिस्क्राइब्ड है रामायण में वो इतनी करेक्ट है। अभी भी राम जी का रूट जो डिस्क्राइब्ड है रामायण में और जो टेम्पल्स डिस्क्राइब्ड हैं जहाँ जहाँ पर राम गए थे वहाँ तक की चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, वो ज्योग्राफिकली अप्रूव्ड हैं, लोगों की मान्यता है कि यहाँ यहाँ से राम गए थे कम से कम 2000 साल पहले, जब तक कि इनकी हिस्ट्री है कि एटलीस्ट ये लिखी हुई थी हमारे पास। क्या लोगों के पास व्हाट्सएप था, क्या लोगों के पास इंटरनेट था, क्या लोगों के पास माध्यम थे कि वो सारे पूरे भारतवर्ष में चल चल के इन सारी कहानियों को बस विश्वास दिलाएं लोगों को कि ये हुआ था ये हुआ था। आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगा के देखिए, क्या व्यास देव जी, और अगर आप मानते भी नहीं हैं व्यास देव जी और बाकी ऋषियों ने इनको लिखा है, जो जिसने भी लिखा था वो इतना खाली इंसान था कि वो कुछ भी मनगढ़ंत लिख रहे, मेटाफिजिक्स पर लिख रहे और वो जगह जगह जाकर लोगों को विश्वास दिला रहे हाँ ये हुआ था। नासिक, चित्रकूट, अयोध्या, श्रीलंका, अलग अलग जगह पर लोग जानते हैं कि यहां पर रामायण हुई थी। तो इसकी हिस्टोरिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको बहुत ही सीरियस दृष्टिकोण से देखकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा हम उसी लेवल की बातें उसे ले पाएंगे, और ये बिल्कुल एविडेंट है इस चैनल पर जिनको इन्वाइट किया गया, देवदत्त पटनायक जी, आप खुद देख सकते हैं उनकी विचारधारा बस स्टोरीज तक है, तो स्टोरीज से शिक्षा के आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर उन्होंने इसको एक हिस्ट्री के रूप में एक्सेप्ट किया होता और इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट किया होता तो शायद वो बहुत सीरियस होते इसके कंटेंट को लेकर, और इसीलिए वो अपनी माई गीता, एक वो उन्होंने खुद ही गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी है माई गीता करके, और माई गीता में वो खुद ही बोलते हैं कि गीता का मेन जो संदेश है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, पर वो तो पुराने जमाने की बात है, मैं किसी और दृष्टिकोण से देना चाहता हूँ।
कौन व्यक्ति सीरियसली ले पाएगा सेल्फ रियलाइजेशन को अगर वो उसको मिथ मानेगा? बहुत मुश्किल है। और रामायण के बारे में बात करें, रामायण बर्मा में आज तक राम जी को यम जाडाओ करके माना जाता है, कंबोडिया में रेमकर करके जाना जाता है, इंडोनेशिया में कावकियन रामायण और रामायण स्वर्णद्वीप करके जाना जाता है, लाओस में फ्रालाक फ्रालाम, मलेशिया में हिकायत श्रेरी लाम। इतनी सारी कंट्रीज, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, फिलीपींस तक में भी महाराधिया लावण करके रामायण के अभी तक एक्सेप्टेंस है। ज्योग्राफिकली देखें, इतना बड़ा एरिया, आज तक कोई, आज के समय में भी कोई व्यक्ति ट्राई करे, बहुत मुश्किल होगा लोगों को विश्वास दिलाने का। और उस ज़माने में जब इतने मीन्स भी नहीं थे लोगों को ऐसा कन्विक्शन दिलवाना कि ये सब रियलिटी है, और आज तक भी लोग विश्वास करते हैं, क्या ये अपने आप में हिस्टोरिसिटी का एक बड़ा एविडेंस नहीं है? इनफैक्ट हमारे एक बहुत माननीय स्कॉलर्स ऑथर्स, उन्होंने रामायण को इस हद तक अप्रिशिएट किया है कि वो बोलते हैं कि ऐसा ग्रंथ जो भारतवर्ष के इतने नज़दीक है, इतना प्रिय है, लोगों की याददाश्त में इतना फ्रेश है, इतना डीपली रूटेड है हमारे कल्चर्स में, इतने सारे सालों से, कई सेंचुरीज हो चुकी हैं, इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका प्रसार प्रचार हुआ है, हर रीजन में उसका कनेक्शन है, ज्योग्राफिकल कनेक्शन है, इतने ड्रामाज इनैक्ट होते हैं हर साल इस पर, सालों सालों से चलता आ रहा है, और जो अभी तक भी भारत में चल रहा है, ये सारी परंपराएं अभी तक भी चल रही हैं। ऐसा लिटरेचर जो कि अपने आप को प्रेजेंट करता है इतने भव्य रूप में, साल दर साल इतने लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट करते हो, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, हर देश में, कई देशों में। और ऐसा शास्त्र, ऐसा काव्य जो अपने आप में इतना अप्रिशिएट किया गया, एक इतिहास के रूप में, एक लेजेंड के रूप में, यहाँ तक कि जो धर्म भारतवर्ष में एग्जिस्ट करते थे, जो राम जी को भी नहीं मानते थे भगवान के रूप में, जो इनफैक्ट सनातन धर्म के अगेंस्ट थे, जैसे हिस्टोरिकली जैनिज्म बुद्धिज्म, उन्होंने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया राम जी के एग्जिस्टेंस के बारे में, एटलीस्ट उनकी हिस्ट्री के बारे में, जो आज ऐसे महानुभाव लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो क्या, ये तो इस प्रजम्पशन में है कि राम जी एग्जिस्ट ही नहीं किए, और एग्जिस्टेंस, और इस चीज़ को बार बार एजेंडा बना देते हैं। दूसरा, एक इनके पूरे प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यू में, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, ये बार बार इस बात पर बात कर रहे हैं कि हमें भारत की तरफ वापस आना चाहिए, भारत के ज्ञान की तरफ वापस आना चाहिए, इतिहास पुराण के बारे में तक वापस आना चाहिए, पुराण पढ़िए आप, रामायण पढ़िए, वो तो आप पढ़ते नहीं हैं, ऐसे कर करके बातें बताई जा रही हैं। और खुद वो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा, इन पर आप विश्वास रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, पर ये वैज्ञानिक नहीं है, इनका कोई प्रमाण नहीं है, आप झगड़ा कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे, जिस वैज्ञानिक पद्धति की ये बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात वो भारत की नहीं है, और उस वैज्ञानिक पद्धति को भी स्वीकार कर लें हम, जो कि वेस्ट से बहुत ओरिजिनेटेड है, जिसके दो प्रमुख एलिमेंट्स हैं, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, इन दो स्तरों पर भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की परख की जा सकती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, इस स्तर पर बोलने वाला व्यक्ति, लाखों लोगों के चैनल पर बोलने वाला व्यक्ति, इतने रिस्पॉन्सिबली कमेंट डाल रहे हैं कि आत्मा परमात्मा, इनका पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वेस्टर्न स्कॉलर्स रिसर्चर्स साइंटिस्ट ने बुक्स तक लिख डाली हैं इन चीज़ों पर। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिएगा, इंडियन ऑथर्स वेस्टर्न ऑथर्स साइंटिस्ट की हमने बुक्स का रेफरेंसेस डाले हुए हैं, आप खुद जाकर उसको नेट पर देख सकते हैं, वीडियोज अवेलेबल है। ये देखता है कि कितना इरेस्पॉन्सिबल हैं हमारे ऑथर्स इस प्रकार के कमेंट्स डालते हुए, और कई सारी चीज़ों पर हम तो खुद वीडियो बना चुके हैं, और ये बोलते क्या है, राम को किसी की चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण को किसी चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बताने के लिए हम क्या लिख सकते हैं। ये जो फ्री स्पीच, फ्री थिंकिंग, ये जो कीड़ा घुस गया है हम सबके माइंड में ना, इस बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राम को किसी चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, ना कृष्ण को ज़रूरत है, पर हम
हम लोगों को ज़रूरत है सही ज्ञान की, हम लोगों को ज़रूरत है सिस्टम्स की जिनके थ्रू ज्ञान मिल सकता है। अगर आप बोलते हैं ज्ञान को किसी चौकीदार की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म कर दीजिए यूनिवर्सिटीज़, डॉक्टर्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट ही मत रखिए ज्ञान प्रोवाइड करने के लिए। ज्ञान तो ज्ञान है ना, कोई भी लेके पढ़ सकता है। डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए आप उनके लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ रखते हैं, आप उनके लिए प्रॉपर डिग्रीज़ देते हैं, आप उनको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट देने के बाद ही प्रैक्टिस अलाउ करते हैं, उनके लिए इतने सारे मेजर्स रखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखते हैं कि लोगों का जीवन खतरे में ना हो जाए। पर जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ अध्यात्म की बात आती है, आप सब खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। किसी को गार्डियन बनने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि आप खुद ही विश्वास नहीं रखते अध्यात्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर। इतना ऊट पटांग चीज़ें लगती हैं। खुद की बुक्स पर ज़रूर ये कॉपीराइट मार्क रहेगा, पर हमारे धर्म के ऊपर कोई भी गार्डियन ना बने, कोई भी चौकीदार ना बने, भाई हमें बोलने दो जो भी बोलना है। ये हमारी बुक सिर्फ सेल्फ हेल्प देने के लिए नहीं है, सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए नहीं है, वो हैं, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि चिंतामणि के समान है, डिज़ायर ट्री के समान है, जो भी आप अप्रोच करना चाहें वो मिलेगा, इसलिए आपको भी मिल पा रहा है जो आपने चाहा। पर क्या हमारे शास्त्र सिर्फ सेल्फ हेल्प देने के लिए, सिर्फ मॉरल इंस्ट्रक्शन देने के लिए? हमारे शास्त्रों में तो बात ही एक अलग ही प्लेटफॉर्म की होती है। इनफैक्ट यही एक वो चीज़ है जो हमारे शास्त्रों को बहुत डिफरेंट सेट कर देता है बाकी धर्मों से, जिनमें बहुत एथिकल, बहुत मॉरल बातें की जा रही हैं, क्रिश्चियनिटी से सेपरेट करता है, इस्लाम से सेपरेट करता है। क्योंकि मेटाफिजिक्स का जो लेवल है हमारे शास्त्रों में, वो किसी भी धर्म में अवेलेबल नहीं है, किसी भी शास्त्र में अवेलेबल नहीं है। भगवद गीता को अगर आप मॉरलिटी के बियॉन्ड कभी स्टडी किया होता तो आपको पता चल पाता। और ये कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है, इन्होंने खुद अपनी बुक माई गीता में लिखा हुआ है कि गीता पहले के ज़माने में ऐसे दिखाई जाती थी जैसे अध्यात्म की किताब है। पर ये सब बातें तो साधुओं के लिए हैं जो सोसाइटी से दूर जाना चाहते हैं। बहुत आप लोगों की वजह से आज हमारे भारत में सारे नवयुवक यही सोचते हैं कि अध्यात्मिक बन जाएंगे तो हम साधु बन जाएंगे, और इसलिए कभी वो छूना चाहें तो आप जैसे लोग आके उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो छोड़ देते हैं उसको। बस इस टाइप की सो कॉल्ड कूल बातें सुनकर वो बस गीता से कोई रियल बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाते। क्यों इन बातों को इतना सुपरफिशियल मानता हूँ मैं? क्योंकि आप बोल तो सकते हैं कि हमें सेल्फलेस होना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। आपके पास प्रोसेस क्या है किसी व्यक्ति को सेल्फलेस बनाने के लिए? आपके पास क्या प्रोसेस है किसी व्यक्ति को ओपन माइंडेड बनाने के लिए? आप बातें बड़ी बड़ी कर लें, आप बड़ी बड़ी बातें लिख दें, आपके पास कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें सब फेल हो जाती हैं जब तक व्यक्ति के रियल कंसेप्शन चेंज नहीं होंगे। भगवद गीता खुद इस बारे में बताती है, 16वें अध्याय में जब कृष्ण बताना शुरू करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को एक तत्व के रूप में नहीं स्वीकार करेगा तो वो व्यक्ति लोगों की हानि ही करेगा। वो व्यक्ति इस पूरे वर्ल्ड को टेम्पररी, और इतना टेम्पररी देखेगा कि बस मौज करो और रोज करो और कुछ मत करो और किसी के बारे में मत सोचो। ये सारा उत्पन्न होता है हमारी दृष्टि से, और उस दृष्टि में ये सिद्धांत होते हैं। आप बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं है, पर यही वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा हमारे शास्त्र हमारी एक्चुअल गुणों को विकसित करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें कर देने से आज तक मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है किसी में। मैंने तो खुद देखा है, लोग बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं पर जब अप्लाई करने पर आते हैं उनको बहुत बड़ा चेंज आता है। तो कृपया कर इन सब तत्वों को अगर नहीं समझा सकते आप, अगर नहीं समझ पाए, तो मैं आप सबको इनकरेज करूँगा, आप आइए हमारे कोर्स में, भगवद गीता का कोर्स। हम IITians इतना समय देकर लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, जिससे इस तरीके के लोग भी अगर आना चाहें, अगर सेवा स्वीकार करना चाहें, अगर सचमुच में ये खुद ओपन माइंडेड रह सकते हैं तो आएं और हम समझाएंगे, हम ये सेवा करेंगे आप सबकी भी और ऐसे लोगों की भी। हमें कोई आपसे आशा नहीं है, ये सेल्फलेसनेस असली भाव है। आप खुद प्रयास करके देखिए, आप अपने अंदर सद्गुण को भी विकसित होते हुए देखेंगे, पर ये लोग ये कभी नहीं करेंगे। भक्ति की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने अपने वीडियो में, कि भक्ति तो फैन की तरह है, कि जैसे मैं सचिन का फ़ैन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, उसी तरीके से मैं विष्णु का फ़ैन हूँ, मैं शिव जी का फ़ैन हूँ। क्या यही बस भक्ति को आपने लिमिट कर दिया? कम से कम 5-6 ऐसी संप्रदाय हैं जिनमें आप सालों साल पढ़ें भक्ति के बारे में, तब आप समझ पाएंगे भक्ति है। मैं खुद
3000 घंटों के करीब दे चुका हूँ भक्ति के शास्त्रों का अध्ययन करने में, और उससे भी कई ज़्यादा हजार घंटे दे चुका हूँ साधना करने में। और मुझे पता है भक्ति बस एक फैन बनना नहीं है, इतना चीप नहीं है भक्ति, ना कोई भी योग इतना चीप है। और आखिर में आते हुए मैं ऐसे चैनल्स को रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे माइथोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी सीमाएं समझने का प्रयास करें। हर एक शास्त्र की एक सैंक्टिटी होती है, उसका एक पर्पस होता है। आप फ्री स्पीच, फ्री थिंकिंग के नाम पर इतने आगे ना बढ़ जाएं, उसका पूरा पर्पस ही, उसका पूरा बेसिक आप ख़त्म कर दें, उससे स्टोरीज लीजिए आप। पर जिन विषयों पर ना कोई इस साइड प्रूव कर सकता ना उस साइड, तो लोगों को क्यों बिना मतलब हर्ट करने के ऊपर उतरते हैं आप लोगों को क्या मिलता है? और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप लोगों को किसी विषय पर कम पता है, आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा स्टडी कर लीजिए। हम लोगों ने, मेरे और मेरे अन्य IITian फ्रेंड्स ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि आप लोगों को, सब लोगों को हम ज्ञान देकर सेवा कर सकें, साधन के माध्यम देकर सेवा कर सकें। आप हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, आप ऑफेंस मत लीजिए, जैसे आप खुद कहते हैं, ओपन माइंडेड रहने का प्रयास करें, आपका खुद का ही ये वचन है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ हमारे साथ, हमारे चैनल पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गीता कोर्स का, उस पर आएँ, रजिस्टर करें। और आप सब जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सनातन धर्म के लिए बस वीडियोस देखकर शांत मत हो जाइए, अलग अलग पोस्ट देकर, लाइक दबाकर, कमेंट कर, बस ये नहीं है सनातन धर्म। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अगर आप नए हैं तो हमारे गीता कोर्स पर रजिस्टर कीजिए, गोद अटेंड कीजिए, साधन शुरू कीजिए सनातन धर्म में। और ऐसी वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आई, कोई तथ्य आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट डालिए, आप डिसलाइक कीजिए इस वीडियो को, पर कुछ कीजिए, एटलीस्ट कुछ कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो मिलती है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर उसका लिंक डालिए। ऐसा कोई चैनल मिलता है जिसका यही काम, यही धंधा है कि इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ऑफकोर्स ये चैनल वैसा नहीं था, नॉर इसके जो होस्ट थे वो वैसे थे, ऐसा कोई भी दिखता है आप प्लीज़ डालिए, एटलीस्ट हम लोगों को एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं कि वो और कैसे समझ सकते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि आज का समय ऐसा है, रामायण में ये बात आती है कि कलयुग में क्या होगा, हर एक औरत और हर एक आदमी बहुत खुशी मनाएगा, वेदों और अध्यात्म के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर बोलेंगे, और यही हमारा दुर्भाग्य है, इसी से हमें दुख पहुंचता है। तो कृपया करके हमारा सहयोग दें, कुछ हमें फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है गीता कोर्स को फ्री रखने के लिए, ये बहुत आसान नहीं है, पीछे बहुत चैलेंजेस हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कुछ कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारा नंबर UPI का हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।